हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्रिया किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, व्रत में खाने वाली मोरधन की खिचड़ी। फ्रेंड्स, खिचड़ी तो आपने बहुत टाइप की खाई होंगी, लेकिन मैं आज कुछ अलग तरीके से आपको बनाना बताऊँगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसके लिए हमें चाहिए 2 आलू, 1 कटोरी मोरधन और 1 हरी मिर्ची और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। फ्रेंड्स, हमने हमारे मोरधन को धो लिया है, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है 2 बार पानी से, और हमने हमारे टमाटर रेडी मिर्च कट कर लिए हैं, आलू को भी पानी में डाल दिया है। फ्रेंड्स, अब हमने गैस में कुकर चढ़ा दिया है। अब फ्रेंड्स, हम इसमें ऑयल डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैंने 5 बड़े चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया है। अगर आप घी में बनाना चाहें तो आप घी में भी बना सकते हैं, घी में ही और टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। और जीरा जैसे ही पकने होने लगेगा फ्रेंड्स, इसमें हम हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची जैसे ही हमारी थोड़ी सी गोल्डन होने लगेगी, हम इसमें अपना आलू ऐड कर देंगे। हम इसे जैसे आप थोड़ा धीरे से करिएगा। जैसे हमारे आलू थोड़े से हल्के से गोल्डन होने लगेंगे, तब हम इसमें अपना सेंधा नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब फ्रेंड्स, ये हमारे आलू रेडी के से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने टमाटर ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं पहले इसलिए ऐड नहीं किया, अगर मैं पहले ऐड कर देती तो इसका टेस्ट नहीं आता। अब हम इसमें लाल मिर्ची ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची को ऐड कर देंगे हम इसमें। फिर से स्टर करेंगे, साथ में इसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड कर देंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ढक्कन नहीं लगाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारे आलू और टमाटर हल्के से कुक भी हो चुके हैं। अब हम इसमें अपना मोरधन ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है, अभी मैं इसमें आपको एक सीक्रेट और बताने वाली हूँ, जिससे कि ये जो खिचड़ी है आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी। ऐड करेंगे हम इसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, और वो है 1 छोटा चम्मच चीनी। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इससे ये मीठी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका टेस्ट इतना गजब का आता है ना, आप फ्रेंड्स एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करके देखिए। अब हम इसे ऐसे ही 1-2 मिनट तक चलाते रहेंगे बिना ढकने के। एक बार मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप इसे बिना व्रत के भी खा सकते हैं, ये आपको इतनी टेस्टी लगेगी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, जितना हमने मोरधन लिया था उसका डबल पानी हम डालेंगे इसमें, 2 गुना पानी डालना है। जैसे 1 कटोरी मोरधन था तो मैं इसमें 2 कटोरी पानी ऐड करूँगी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, जितना हमने मोरधन लिया था उसका डबल पानी हम डालेंगे इसमें, 2 गुना पानी डालना है। जैसे 1 कटोरी मोरधन था तो मैं इसमें 2 कटोरी पानी ऐड करूँगी। और
और साथ ही में एक कटोरी पानी इसमें हम एक्स्ट्रा डालेंगे, दो कटोरी और ये एक कटोरी हम एक्स्ट्रा डालेंगे। अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, ये देखिए। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे, अब हम इसको ढक्कन को लगा देंगे और इसमें सिर्फ एक सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे इसके छोड़ देंगे। जब तक फ्रेंड्स हमारी ये खिचड़ी तैयार हो रही है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक करिए, अगर आपको नहीं पसंद आती हैं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर इसमें कुछ मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए फ्रेंड्स। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मैं आपके लिए ऐसी इजी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ ताकि आप जल्दी से फटाफट बना लें, तो खाने में सबको पसंद आने वाली रेसिपीज़ हैं ये सब। देखिए मेरे कुकर में एक सीटी आ चुकी है, इसे मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब मैं इसे 2-3 मिनट ऐसे ही प्रेशर में होने दूँगी। इसके प्रेशर को 2-3 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे ओपन कर लूँगी ढक्कन को। देखिए देखिए लीजिए, हमारी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब खिचड़ी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स इसे इसमें अगर आपने बनाते समय घी ऐड नहीं किया है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर आप घी ज़रूर डाल के खाएं तो इसमें और ज़्यादा टेस्ट आएगा।